नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज का ये वीडियो लेक्चर हो रहा है हमारे नए प्रोजेक्ट सारा भारत के तहत। सारा भारत प्रोजेक्ट में मैं आपकी मदद करूंगी करंट अफेयर्स पोर्शन को कंप्लीट करने में। और जो करंट अफेयर्स इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत होंगे वो नवंबर 2016 से लेकर के अभी तक के सारे करंट अफेयर जो एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सबको लगभग कवर करने की हमने कोशिश की है। और हम एक बहुत ही सुपर फास्ट कवरेज आपको देने वाले हैं ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। आज का ये वीडियो लेक्चर हिंदी माध्यम है, बट आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो इन इंग्लिश एज वेल, सो इफ यू आर अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देन यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। पर हम अपना ये वीडियो हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे, तो बिना समय बर्बाद किए आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि भारत की प्रथम जलगत मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जाएगा। तो भारत की सबसे पहली जलगत मेट्रो का निर्माण कोलकाता शहर में किया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2017 तक कौन सी राज्य सरकार आपदाओं के लिए स्वचालित तटीय चेतावनी प्रणाली शुरू करेगी। तो उड़ीसा सरकार जो है वो जुलाई 2017 तक ये स्वचालित तटीय चेतावनी प्रणाली की शुरुआत करेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नीति आयोग के अनुसार मार्च 2018 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। तो नीति आयोग के अनुसार 7.5% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी भारत के अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय मूल के लियो वाडकर जो कि एक डॉक्टर है वो किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। तो वो आयरलैंड जो है जो कि देश है उसके सबसे युवा प्रधानमंत्री वो बनने वाले हैं लियो वाडकर, और ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। हमारा अगला सवाल है कि 5 जून 2017 को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस 2017 का विषय क्या था। तो हम जानते हैं कि हर साल 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और साल 2017 का जो विषय है वो विषय है लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना। इस साल का थीम यही है। हमारा अगला सवाल है कि ऑनलाइन टिकट ट्रेन टिकट खरीदने के लिए अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए रेलवे ने एक सेवा अब खरीदे भुगतान बाद में करें की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को डैश दिनों की खिड़की के भीतर बुक किए जाने वाले टिकटों का भुगतान करने की अनुमति मिलती है। यानी कि ये जो अब खरीदे भुगतान बाद की जो सेवा है इसके तहत कि आप अभी टिकट खरीद सकते हैं और कुछ दिन के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कितने दिनों के बाद आपको अपने टिकट कितने दिनों के भीतर आपको अपने टिकटों का भुगतान करना है, तो 14 दिन के भीतर जो है वो आप अपने टिकटों का भुगतान कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 के 163 देशों में से भारत को डैश स्थान दिया है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने प्रकाशित किया है। तो हर साल ये वैश्विक शांति सूचकांक जो है वो प्रकाशित होता है और इस सूचकांक को देते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो 163 देशों में से भारत को इसमें जो स्थान मिला है वो आपका 137वां है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 31 मई 2017 को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2016 से 17 के वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6.1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, यानी 6.1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और हमारा अगला सवाल है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ये किस साल सौर अनुसंधान अभियान चलाएगा। तो नासा साल 2018 में सौर अनुसंधान अभियान चलाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सबसे पहला सौर मिशन जो 2018 में नासा द्वारा शुरू किया जाएगा उसका नाम क्या है। तो ये जो पहला सवाल है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि नासा अपना सौर अनुसंधान अभियान चलाने वाला है 2018 में, उस सौर अनुसंधान का नाम क्या है हमसे ये पूछा जा रहा है। तो उस अनुसंधान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब यानी कि पार्कर सौर अनुसंधान। 2 जून 2017 को भारत ने उड़ीसा में एक टेस्ट रेंज से अपनी स्वदेशी परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया। पृथ्वी द्वितीय की मारक क्षमता क्या है, तो ये भारत ने पृथ्वी द्वितीय की मिसाइल का परीक्षण किया और इसकी जो मारक क्षमता है वो आपके 350 किलोमीटर की।
हमारा अगला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने भारतीय कंपनियों में कॉरपोरेट प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक समिति बनाई और हमें ये बताना है कि समिति के अध्यक्ष कौन है। तो कॉरपोरेट प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने वाली जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष जो है उनके नाम है उदय कोटक। हमारा अगला सवाल है, शशि शेखर वेम्पति को एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा संकलित विश्व प्रतियोगी रैंकिंग 2017 में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की रैंकिंग 45th है, यानी कि 45वीं रैंकिंग भारत को मिली है। अगला सवाल है कि 1 जून 2017 को भारत और रूस ने 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयों के लिए समझौता किया और ये ऊर्जा इकाइयां कहाँ स्थापित होने वाली हैं? तो ये स्थापित होने वाली हैं कुदनकुलम तमिलनाडु में। अगला सवाल है हमारा, 4 जून 2017 को भारत ने सफलतापूर्वक अपने सभी मौसम जांच यंत्रों का प्रशिक्षण किया है, जैसे कि QRSAM। हमें ये बताना है कि ये जो मौसम जांच यंत्र है QRSAM, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है क्विक रिएक्शन, QR का मतलब क्विक रिएक्शन और SAM का अर्थ है सर्फेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा अगला सवाल है, 3 जून 2017 को किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना पहला पुनर्नवीनीकृत आपूर्ति जहाज शुरू किया? तो SpaceX नाम की जो संस्था है, इन्होंने सबसे पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना सबसे पहला पुनर्नवीनीकृत आपूर्ति जहाज शुरू किया। अगला सवाल है, 4 जून 2017 को भारत की किस राज्य सरकार ने राज्य भर में एकल महिला पेंशन योजना आरंभ की और ऐसा करने वाला यह प्रथम राज्य बना? तो 4 जून 2017 को तेलंगाना राज्य सरकार ने एकल महिला पेंशन योजना की शुरुआत की और यह ऐसा करने वाला देश का सबसे पहला राज्य है। हमारा अगला सवाल है, वह देश जिसने ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 2017 में, जो कि एंड्रू थॉमस कॉनी ने जारी की है, के अनुसार चीन को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो चीन को इसमें पछाड़ने का काम किया है भारत ने। अगला सवाल है, सेवी में ने डैश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें, मतलब नियुक्ति किसकी मंजूरी किन्हें दी है? तो विक्रम लिमे जो है उन्हें बनाया गया है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें? विक्रम लिमे को। अगला सवाल है कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट जो 4 जून 2017 को जारी की गई है के अनुसार 2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दर होने की कितनी दर होने की संभावना है? तो विश्व बैंक के अनुसार वो दर होगा 2.7%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 9 जून 2017 को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र हॉल में किसको संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी भारतीय NRI समुदाय द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है? तो भारत गौरव पुरस्कार से मधुर भंडारकर को नवाजा गया है, न्यूयॉर्क में नवाजा गया है, यूनाइटेड नेशंस हॉल में। अगला सवाल है, रामकुमार रामनाथन किस सेल से संबंधित है? तो रामकुमार रामनाथन टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है, उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है अरुंधति रॉय। अगला सवाल है, भारत का प्रथम ग्रामीण LED स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट किस राज्य के अधीन होगा? तो ये प्रोजेक्ट अधीन होगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के तहत। अगला सवाल है कि किस संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रथम नाम पर आतंक निरोधी कार्यालय स्थापित किया गया है? तो व्लादिमीर वोर्नकोव जो है उनके नाम पर आतंक निरोधी कार्यालय की स्थापना की गई है। हमारा अगला सवाल है कि ग्रामीण जनसंख्या के बीच डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने की अपनी पहल के तहत कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक देश के विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक डिजिटल गांवों को विकसित करने जा रहा है? तो विजया बैंक ऐसा करने जा रहा है, वो 100 से अधिक गांवों को डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
अगला सवाल है कि खगोल विदों ने हाल ही में सबसे बड़ा ग्रह खोज लिया है, सबसे गर्म ग्रह खोज लिया है, जिसमें कि का जो तापमान है वो 4300 डिग्री सेल्सियस से अधिक दिन का तापमान होता है, और इस ग्रह का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इस ग्रह का नाम है केल्क 9b, ये अभी तक का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अगला सवाल है जुआन गोइस्टेलो, जिनका निधन 4 जून 2017 को हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक स्पैनिश लेखक थे। अगला सवाल, कौन से निजी क्षेत्र के बैंक ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बायोडिग्रेडेबल प्रीपेड गिफ्ट कार्ड की घोषणा की? तो एक्सिस बैंक ने ऐसा किया, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्रीपेड कार्ड की घोषणा की। अगला सवाल है, ब्रिक्स मीडिया फोरम को 7 से 8 जून 2017 तक आयोजित किया गया था, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था बीजिंग, चीन में। अगला सवाल है, 1 जून 2017 को किस राज्य सरकार ने टी वैलेट नामक अपना स्वयं का आधिकारिक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया? तो तेलंगाना की राज्य सरकार ने ऐसा किया, आप याद रख सकते हैं, टी वॉलेट और टी फॉर तेलंगाना। क्वाकुरेली साइमंड्स द्वारा दुनिया के विश्वविद्यालयों को दी गई 2018 की रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी अधिकतम रैंक पर है? तो IIT दिल्ली को उसमें सर्वाधिक सबसे अच्छा रैंक मिला है, सबसे अधिकतम रैंक मिला है। हमारा अगला सवाल है, नासा द्वारा चुने गए 12 नए अंतरिक्ष यात्रियों में पृथ्वी की कक्षा तथा गहन अंतरिक्ष मिशन के लिए किसे प्रशिक्षित किया गया है? तो राजा चारी जो है उन्हें इस काम के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अगला सवाल है, सहकारी संघवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने राज्य सरकारों से मिलकर 7 कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपको ये बताना है कि ये जो 7 है इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, S फॉर सस्टेनेबल, A फॉर एक्शन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और H फॉर ह्यूमन कैपिटल। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई ऋण राहत योजना, कृषि ऋण समाधान योजना आरंभ की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा किया है, उन्होंने एक नई ऋण राहत योजना का आरंभ किया है। अगला सवाल है, ब्रिटेन के सांसद किस सदनों के लिए चुने जाने वाली पहली महिला सिख सांसद कौन है? तो प्रीत गिल जो है वो सबसे पहली महिला सिख सांसद है जो कि ब्रिटेन के संसद के सदनों के लिए चुनी गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित से कौन भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दूसरे 9 साल की अवधि के लिए अपनी उम्मीदवार के रूप में फिर से नामित किए गए हैं? तो जिस न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जो है इन्हें दोबारा भारत की ओर से दोबारा इन्हें नामित किया गया है। अगला सवाल है, 10 जून 2017 को पुणे में एशियाई जूनियर टेनिस चैंपियनशिप के तहत अंडर 14 डबल्स का खिताब किसे मिला है? आपको ये बताना है। तो धनिया शाह और सन्मय गांधी, इन्हें ये खिताब मिला है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जयराम रमेश। अगला सवाल है, 9 जून 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST काउंसिल ने कितने क्षेत्रीय समूह की GST पर आम सहमति का आश्वासन दिया है? तो 18 क्षेत्रीय समूह ऐसे हैं जिसमें कि GST काउंसिल ने अपनी सहमति का आश्वासन दिया। अगला सवाल है, 8 जून 2017 को किस श्रीलंकाई क्रिकेटर को ICIC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो मुथैया मुरलीधरन को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई। अगला सवाल है कि 11 जून 2017 को भारत सरकार की किस पहल के तहत न्यायिक सहायता को हाशिए पर गए समुदायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने की शुरुआत की गई है? तो वो पहल जो है वो टेली कानून, आप जानते हैं अभी भी न्यायिक सहायता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो उन तक भी ये सेवा पहुंच पाए इसलिए भारत सरकार की पहल है टेली कानून। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर खेत लॉन्च किया है जिसमें 1,60,000 पैनल है? तो वो देश है चीन, इसने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर खेत को लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि किसने टिलमिस यूनिवर्स 2017 सौंदर्य प्रतियोगिता जीती है? तो पद्मालय नंदा ने ये प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है,
फॉर्मूला वन ड्राइवर जिसने छठी बार कनाडा का ग्रैंड प्रिक्स जीता है वो कौन है? तो लुइस हैमिल्टन जो है वो आपके ऐसे फॉर्मूला वन ड्राइवर है जिन्होंने छठी बार कनाडा ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। अगला सवाल है, सात का समूह अर्थात G7 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 11 और 12 जून 2017 को कहां हुई थी? तो ये G7 की बैठक इटली में हुई थी। अगला सवाल, अनु यात्रा जो कि अलग अलग दिव्यांगों के लिए एक सशक्तिकरण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो अनु यात्रा की ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत केरल सरकार ने की है। अगला सवाल, समुद्री कानून के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की जज के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सबसे पहली भारतीय महिला जिनका निर्वाचित हुई है उनका नाम है नीरू चड्ढा। अगला सवाल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2017 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 60वां स्थान प्राप्त किया है। 14 जून 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों IOC, BPCL और HPCL ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल स्थापित करने के लिए एक समझौते पर महाराष्ट्र के डैश जिले में हस्ताक्षर किए। तो वो कौन से जिले में इन्होंने हस्ताक्षर किया है? तो रत्नागिरी जिले में हस्ताक्षर हुआ है। अगला सवाल है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारतीय वन्य जीव संस्था के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा जो है उन्हें नियुक्त किया गया है वन्य जीव संस्था के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला सवाल, इजरायली लेखक डेविड ग्रासमैन ने अपने किस उपन्यास के लिए पुरुष बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता है? तो उस उपन्यास का नाम है अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। अगला सवाल, कौन सा माल और सेवा कर नेटवर्क में कार्यकारी उपाध्यक्ष सेवा के रूप में नियुक्त किया गया है? किन्हें उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है GST नेटवर्क में? तो उनका नाम है काजल सिंह, इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है हमारा कि केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और डैश से ऊपर के वित्तीय लेन देन के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। आपको बताना है कि किससे ऊपर वित्तीय लेन देन में आधार कार्ड जरूरी है। तो 50,000 अथवा उससे अधिक के लेन देन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य है। अगला सवाल है, कौन सा क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8,000 रन बनाने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो उस बल्लेबाज का नाम है विराट कोहली। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने राज्य के मानव मीन सुंदरानंद विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने ऐसा किया है। अगला सवाल है, पूर्व जर्मन चांसलर जर्मन एकाकीकरण के वास्तुकार के रूप में जिन्हें जाना जाता था उन्हें 16 जून 2017 को उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था हेलमुट कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 जून 2017 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में एक समारोह में युवा विदेशी भारतीयों के लिए KIP का उद्घाटन किया है। आपको ये बताना है कि KIP का फुल फॉर्म क्या है? तो KIP का फुल फॉर्म है भारत को जाने कार्यक्रम, यानी कि नो इंडिया प्रोग्राम। अगला सवाल, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक EIIB की दूसरी वार्षिक बैठक 16 जून 2017 को कौन सी जगह आयोजित की गई थी? तो इसकी बैठक दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, भारत में कौन सा कार्यालय बाजार दुनिया के 9 सबसे महंगे मुख्य कार्यालय बाजार में शामिल है? तो दिल्ली का कनॉट प्लेस इसमें शामिल है। अगला सवाल है, दवा की रानी 2017 ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए पहली सौंदर्य प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित की गई थी। आपको ये बताना है कि ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये केरल में आयोजित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व T20 चैंपियनशिप का 7वें संस्करण जो अगले साल आयोजित होने वाला था उसे कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो उसे 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला सवाल है, 1 जुलाई 2017 से लागू किए गए व्यापक कर सुधारों के कार्यान्वयन के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को इस कर को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया है। हमारा फिर अगला सवाल है, 19 जून 2017 को भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM जिसे मंगलयान के रूप में भी हम जानते हैं वो मंगल ग्रह की कक्षा में धरती के कितने दिनों को उसने पूरा किया है? तो उसने 1000 दिनों को पूरा कर लिया है।
फिर अगला सवाल है, 19 जून 2017 को किस राज्य सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है पंजाब। पंजाब में लड़कियों को नर्सरी से पीएचडी तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों में मुफ्त होगी। अगला सवाल है कि रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने के बाद डैश के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो किस पद से इन्होंने इस्तीफा दिया? तो बिहार के राज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला सवाल है, पीके काओ जिनका निधन 18 जून 2017 को हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। इसके बाद हमारा सवाल है, भारत का वह शहर जहां पर अनियंत्रित यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा शहर है? तो इंदौर वो शहर है जहां पर ऐसा किया जाता है। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली ट्रेन का अनावरण किया है जो धातु पटरी के बजाय सेंसर तकनीक का उपयोग कर एक आभासी ट्रैक पर चलती है? तो ऐसा करने वाला सबसे पहला देश और जिसने ऐसा किया है पहली बार, वो देश है चाइना। अगला सवाल है कि 2017 वर्ल्ड एयरलाइन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन को चुना गया है? तो कतर एयरवेज को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है हमारा कि भारत का वो पहला शहर जहां पर डीजल आपके दरवाजे तक पहुंचाया जाता है, वो शहर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 23 जून 2017 को केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए 30 शहरों के एक अन्य सूची की घोषणा की, और इस सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो इस सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया त्रिवेंद्रपुरम केरल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 जून 2017 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 का विषय क्या था? तो इसका विषय था स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, यानी कि योगा फॉर हेल्थ, ये इस बार का थीम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST द्वारा विदेश स्थित भारतीय वैज्ञानिक और भारत के स्वयं के शोधकर्ताओं को संयुक्त शोध करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है वज्र। वज्र का फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है हमारा कि किस देश की सरकार ने हाल ही में भारत को 22 मानव रहित संरक्षक ड्रोनों की बिक्री की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने ऐसा किया है। हमारा अगला सवाल है कि 22 जून 2017 को विज्ञान और शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए बीजू पटनायक अवार्ड किससे प्रदान किया गया? तो ललित मोहन दास को बीजू पटनायक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, 23 जून 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से डैश उपग्रह और 30 नैनो उपग्रह को लॉन्च किया। आपको ये बताना है कि वो कौन सा मुख्य उपग्रह, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कार्टोसैट 2E। ठीक है, ये उस उपग्रह का नाम है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। कि 22 जून 2017 को भारत ने एक इतिहास बनाया, नासा ने 18 वर्षीय तमिलनाडु छात्र रफात शाहरुख और उनकी टीम द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह कलाम सैट छोड़ा, और ये कलाम सैट पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। आपको ये बताना है कि इस उपग्रह का वजन कितने ग्राम के आसपास है? तो इस उपग्रह का वजन जो है वो 64 ग्राम के आसपास है। अगला सवाल है कि विश्व कुश्ती मनोरंजन यानी कि WWE प्रतिस्पर्धा करने वाली में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनेगी? तो उनका नाम है कविता देवी। वो जो है वो सबसे पहली भारतीय महिला है जो कि WWE में पार्टिसिपेट करेंगी। अगला सवाल है कि आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस वो हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल 23 जून को इसे मनाया जाता है। अगला सवाल, जून 2017 को 22 जून 2017 को किसने बिहार राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसने शपथ ली? तो केशरीनाथ त्रिपाठी ने ऐसा किया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा सरकार ने डैश में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो अगले 5 से 6 वर्षों में चालू होने की संभावना है। आपको बताना है कि कहां पे इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। तो मंजूरी मिली है ग्रेटर नोएडा में।
अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह का मुकाबला करने और राज्य में लड़की की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने पहल के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? तो पुरस्कार जीता है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। अगला अब हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कनाडा की न्यायपालिका के लिए नियुक्त की जाने वाली पहली पगड़ीधारी सिख बन गई है? तो सबसे पहली पगड़ीधारी सिख जिनका न्यायपालिका कनाडा की न्यायपालिका में नियुक्त हुई है उनका नाम है पलविंदर कौर। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो सबसे उनका पहला नाम है कुलदीप यादव। अगला सवाल है हमारा कि जगन्नाथ पुरी, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? इमरान ख्वाजा जो हैं उन्हें आईसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न के अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विद्या बालन को भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय समिति द्वारा किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये आपके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाले जो केंद्रीय समिति है उसके लिए नियुक्त किया गया है के कस्तूरी रंगन को। अगला सवाल है हमारा कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 25 जून 2017 को सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में ओलंपिक और विश्व चैंपियन चेन लॉन्ग पर एक अविश्वसनीय खेल जीतकर चौथा सुपर सीरीज खिताब अपने नाम किया है? तो उस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है श्रीकांत किदम्बी। अगला सवाल, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है जिसके द्वारा भारतीय युवाओं को पुनः कौशल द्वारा रोजगार योग बनाया जाएगा? और विश्व बैंक ने ऐसा किया है, उसने 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला सवाल है कि फेमिना मिस इंडिया 2017 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मानुषी चिल्लर ने। अगला सवाल, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना को लागू किया जाएगा? तो इस योजना का नाम है डिजिटल एमएसएमई, इस योजना को लागू किया जाएगा। फिर अगला सवाल है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को सरकार की प्रमुख कौशल भारत अभियान के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को कौशल भारत अभियान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, कौन सा देश यूएस कर कोष में स्वैच्छिक योगदान करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत पहला देश बन गया है जो स्वैच्छिक रूप से यूएस कर कोष में योगदान दे रहा है। 27 जून 2017 को राज्य सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपयों के एक कोष निधि के साथ एमएसएमई विकास निगम का शुभारंभ किया। तो वो कौन सा राज्य सरकार है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार है। अगला सवाल, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एकीकृत करने में उनकी भूमिका के लिए किसको अमेरिका भारत व्यापार परिषद के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आदि गोदरेज को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नवीनतम संचार उपग्रह को 29 जून 2017 को फ्रेंच गुयाना में खुरो में आयरिश स्पेस रॉकेट पर सफलतापूर्वक छोड़ा गया है, उस नवीनतम संचार उपग्रह का नाम क्या है? उसका नाम है GSAT-17। अगला सवाल है, वायु प्रदूषण से लड़ने और जहरीले गैसों के उत्पादन को रोकने के लिए कौन सा देश दुनिया के पहले वानिकी शहरों का निर्माण कर रहा है? तो सबसे पहला देश जो है वो है आपका चीन। और ये हमारे पार्ट वन का आखिरी सवाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितनी भी बातें बताएं आपको समझ में आ गई होंगी, और ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके तहत हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से 2017 के लिए, वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। धन्यवाद।